चेतन भगत ने कहा कि टीएसएच की जरूरत है हर शहर में। द स्पोर्ट्स हब को बड़ी शख्सियत से रूबरू होने का हमेशा देता रहता है मौका। लोकप्रिय भारतीय लेखक और प्रेरक वक्ता हैं चेतन भगत। एमडी पीयूष अग्रवाल ने किया स्वागत और अभिनंदन। टीएसएच को देखकर चेतन भगत बोले, इसकी जरूरत हर शहर में है, बहुत बढ़िया है द स्पोर्ट्स हब। देश के करोड़ों लोगों के दिलों में राज करने वाले मशहूर लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर चेतन भगत ने संडे को कानपुर के द स्पोर्ट्स हब में अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली स्पीच से सभी को मोहित कर दिया। उन्होंने सभी को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि द स्पोर्ट्स हब देश के हर शहर में होना चाहिए। यहां युवाओं को हर तरह की एक्टिविटीज का मौका मिलता है। इसके साथ ही गरीब बच्चों के लिए जो यहां मौके मिलते हैं वह अपने आप में एक बड़ी पहल है। वहीं एमडी पीयूष अग्रवाल ने चेतन भगत का जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। चेतन भगत ने कहा कि युवाओं और बुद्धिजीवियों के दिलों पर राज करने वाले प्रेरक वक्ता, पटकथा लेखक, यूट्यूबर और पॉडकास्टर जिनकी लेखनी में रोमांस, यथार्थवादी फिक्शन, नॉन फिक्शन, सस्पेंस, थ्रिलर का समावेश होता है, ऐसी शख्सियत चेतन भगत के विचारों को टीएचएस के सभागार में लोग अपलक सुनते रहे। वहीं करीब 2 घंटे तक चले कार्यक्रम में उपस्थित श्रोता और प्रशंसकों ने चेतन भगत से जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सवाल किए। इस पर चेतन ने सभी को सक्सेस टिप्स दिए। चेतन भगत ने लाइफ को सफल बनाने के लिए अपने 11 रूल्स ऑफ लाइफ, जिन्हें उन्होंने अपनी हाल ही में रिलीज हुई पुस्तक में समावेशित किया है, उन्हें भी सभी से साझा किया। वहीं द स्पोर्ट्स हब में आए चेतन ने पूरे कैंपस का भ्रमण किया और बोले, इस तरह के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हर शहर में। स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटी करने से बौद्धिक और शारीरिक विकास होता है, और जब आपका मस्तिष्क विकसित होगा तभी आप विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं।